हेलो, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल आयरन अंकल। इंतज़ार की घड़ियां हुई हैं ख़त्म, अब आ चुका है हमारा अभ्यास सीरीज का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो एकदम जोश में और एकदम होश में हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्चर्स। तो मैं हूं अक्षय, और जुड़िए मेरे साथ फटाफट से ताकि हम करें कुछ बेहतरीन से सवाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में क्या ट्रेंड्स रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। बार बार जो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनका जो फॉर्मेशन है वो हम देखने वाले हैं, और हमारी जो रैंक की तैयारी है, यानी कि हमारा जो रैंक लाने का मकसद है वो हम पूरा करके रहेंगे इस साल। ठीक है, तो तैयार हैं आप सब लोग अभ्यास में जुड़ने के लिए? तो आज है हमारे क्लास का फर्स्ट लेक्चर, तो अपने दोस्तों को बता दो कि आगाज हो चुका है हमारे क्लासेस का। ठीक है, मैं हूं अक्षय, आपका इलेक्ट्रिकल गुरु। तो आज से मैं आपके साथ रोज जुड़ूंगा 5 बजे, और करेंगे कुछ बेहतरीन से सवाल गेट और ईएस में, जो चुनिंदा जो टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा पूछे गए हैं, जो एकदम हॉट शॉट टॉपिक्स रहते हैं, तो उनको देखेंगे डिटेल में। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आया आंसर लिख लिया, ऐसा नहीं। हमें क्वेश्चंस के पीछे का जो कंसेप्ट है वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि तो एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कंसेप्ट समझने के बाद उसी कंसेप्ट के 1, 2, 3, 4 कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, कंसेप्ट्स प्लस जो प्रीवियस ईयर्स के जो ट्रेंड्स हैं वो हमें पूरा एनालाइज करते हुए चलना है। ठीक है, तैयार है सब लोग? कोई पीछे तो नहीं रहा, बड़े आगे। ओके, तो हमारा जो चैनल है एड अंकल गेट की तैयारी, हमारा मोटिव क्या है, हम बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक बेस्ट स्टडी मटेरियल पहुंचाएं गेट एग्जाम का। और स्टडी मटेरियल पहुंचाने में और उसके साथ उनको समझाने में मदद कौन करेगा? मदद करेंगी हमारी टॉप फैकल्टीज, जो आपके साथ रोज जुड़ेंगे यूट्यूब पे, ऐप पे। तो जुड़िए हमारे साथ एड एंगल के गेट चैट चैनल पे, और करेंगे कुछ साथ में मिलके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और डाउट सॉल्विंग। आपके लिए एकदम स्पेशल फीचर रखा गया है, ताकि आपको जो डाउट्स आ रहे हैं लेक्चर्स में, क्वेश्चंस में, टॉपिक्स में, वो सारे आपके 1 बाय 1 क्लियर हो सके, और क्लियर एकदम टॉप फैकल्टीज ही करेंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक किसी को यहाँ पे। आगे चले, करें हमारा लेक्चर स्टार्ट। अब ये सीरीज स्टार्ट हुई है तो बहुत दूर तक लग जाएगी, तो तैयार हो जाइए। लेक्चर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, और ये कुछ बहुत ही चुनिंदा और बेहतरीन से सवाल है, तो अपना जो माइंड है एकदम वो फोकस रखें आज के लेक्चर में। ठीक है, आगे चलें, बहुत ही बढ़िया। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को देख के सबसे पहले तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम टॉपिक कौन सा ले रहे हैं आज, जो सब्जेक्ट है हमारा वो है पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम में मतलब ये क्या धारणा बनी हुई है कि भाई पावर सिस्टम का क्वेश्चन आया, मशीन का क्वेश्चन आया, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आया, तो बच्चे डर जाते हैं कि अरे सर अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो डरना नहीं है, क्वेश्चन की नब्ज को पकड़ना है कि वो पूछ क्या रहा है, उसमें हिडन टर्म्स क्या है। जैसे जैसे आप हिडन टर्म्स को लिखते जाओगे, एनालाइज करते जाओगे, आपको क्वेश्चन का मोटिव या फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, वो आपको क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर है सबको बात? ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा आएगा छोटा आएगा वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इन केस बड़ा आ गया तो डरना नहीं है। क्योंकि तो अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये कम से कम 10-12 लाइनों का क्वेश्चन है, ऊपर से डायग्राम अलग है। लेकिन होता क्या है, जनरली देखा गया है, ये मैं ऐसे सबके लिए नहीं बता रहा हूँ, 100% केस में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 90% केसेस में क्या होता है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उतना ही छोटा उसका सोल्यूशन होता है। क्योंकि एक बार आप खुद एनालाइज करो, मान लो मैं आपको एक 12 लाइन का क्वेश्चन देता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को उस 12 लाइन के क्वेश्चन में आपको ज्यादा डिटेल देनी पड़ेगी। मैं आपको करंट दे रहा हूँ, वोल्टेज दे रहा हूँ, पावर दे रहा हूँ, सपोज अब मेरे को इन 3 चीज़ों देनी पड़ी आपको। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई मैंने एक्स क्वांटिटी निकालने को बोली, कुछ वाई क्वांटिटी निकालने को बोली, तो उसमें आपका जो काम है वो आसान हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको तीनों क्वांटिटीज, करंट, वोल्टेज, पावर, या फिर कोई दूसरी क्वांटिटीज, वो मैंने आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो मैंने आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब निकालना क्या है, निकालना उसी से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज होंगी निकालनी हमें। तो बड़े क्वेश्चन में अक्सर देखा गया है कि वो ज्यादा चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, और वहां पर टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है, टर्निंग पॉइंट वहां पर यह आता है कि आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, क्वेश्चन का फॉर्मेशन है, वो आपको कंफ्यूजिंग लगती है कि यार ये क्या पूछ रहा है मेरे से, ये मैं समझ नहीं पाया, द जनरेटर इज डिसकनेक्टेड, क्या कहना चाह रहा है। तो हमें
हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उनको पकड़ के चलना है और क्वेश्चन को थरली रीड करना है। एक बार करो, दो बार करो, जैसे जैसे आप करते जाओगे प्रैक्टिस बढ़ेगी और क्वेश्चन हमारे होते जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हमें क्वेश्चन से डरना नहीं है और क्वेश्चन को एक एक करके आराम से तसल्ली से सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो अ 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस जनरेटर इज इनिशियली कनेक्टेड टू अ लॉन्ग लॉसलेस लाइन, ये एल है, ठीक है, लॉन्ग लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन विच इज ओपन सर्किटेड एट द रिसीविंग एंड। अब इसमें जो गौर करने वाली बात है वो क्या है, सबसे पहले ओपन सर्किट का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमें दी हुई है, अच्छी बात है, और क्या गिवन है अभी तक यहाँ पे, और ये तो हमारी है लॉन्ग लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, ओपन सर्किटेड, इस पे हमें फोकस रखना है हमारा, ओपन सर्किटेड, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। विद द फील्ड वोल्टेज हेल्ड कॉन्स्टेंट, ये एक और आ गई दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन, विद द फील्ड वोल्टेज हेल्ड कॉन्स्टेंट, समझ गए, विद द फील्ड वोल्टेज हेल्ड कॉन्स्टेंट, इसका मतलब आपने आपकी जो जनरेटर है उसमें दो तरह से हम सप्लाई देते हैं, एक हमारा प्राइम मूवर, एक हमारा फील्ड, सब फील्ड एक्साइटेशन, तो आपने फील्ड एक्साइटेशन में छेड़छाड़ नहीं करी है। विद द फील्ड एक्साइटेशन या फिर विद द फील्ड वोल्टेज हेल्ड कॉन्स्टेंट, ओके, समझ गए, द जनरेटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ट्रांसमिशन लाइन, कोई दिक्कत है? इसका मतलब हमने क्या क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो जनरेटर है उसमें हमने फील्ड एक्साइटेशन जो थी वो कॉन्स्टेंट रखी है और द जनरेटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ट्रांसमिशन लाइन, आपने उसको छेड़े बिना आपके जनरेटर को ट्रांसमिशन लाइन से अलग कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी सेड अबाउट द स्टेडी स्टेट टर्मिनल वोल्टेज एंड फील्ड करंट ऑफ द जनरेटर, इसका मतलब आपको कमेंट किस बारे में करना है, आपको कमेंट करना है दो चीजों पर, पहली चीज वो है हमारी स्टेडी स्टेट टर्मिनल वोल्टेज, बहुत ही बढ़िया, दूसरी चीज कौन सी है, फील्ड करंट ऑफ जनरेटर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेडी स्टेट टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और फील्ड करंट क्या होता है। अगर मैं आपको इसका सिंबल बताऊं तो आप आराम से पहचान जाओगे, इसका सिंबल क्या होता है, IF, यही होता है, और स्टेडी स्टेट टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, वो होता है हमारा VT, यही होता है ना, याद आ रहा है सबको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये है, इस पूरी जो कहानी है, ये जो पूरी रामायण इसने यहाँ पे कही है, उसी को, इस रामायण को इसने एक पिक्चर में बना दिया कि भैया हमारे पास ये जो जनरेटर है उसको हमने ट्रांसमिशन लाइन से अलग कर दिया, ये स्विच है, ये एक स्विच की तरह काम कर रहा है, इस स्विच को आपने ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये जो पूरी कहानी है वो इसने इस डायग्राम में समझा दी है। क्वेश्चन सबको क्लियर है, किसी को भी कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करें, ठीक है, आंसर लाने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से करें, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन है और एंडिंग लाइन है, दोनों में कनेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि पहली लाइन कुछ और कह दी, दूसरी लाइन कुछ और कह दी है, सारी लाइंस आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, तभी हमारा जो पावर सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं, हमारे पावर सिस्टम को हम कहते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, जनरेटर, मोटर, सर्किट ब्रेकर और बहुत सारी चीजें आती है। तो इंटरकनेक्शन जब पूरा पावर सिस्टम है तो क्वेश्चन भी पावर सिस्टम का एक इंटरकनेक्शन ही है, किसका, जो फर्स्ट लाइन है और जो लास्ट लाइन है उन दोनों में इंटरकनेक्शन है, यानी कि वो दोनों आपस में संबंधित है। अब वो उसका संबंध आपको एस्टेब्लिश करना है और आपका आंसर आपके हाथों में, क्लियर है बात, आगे चले, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी क्वेश्चन समझने की तरकीब कि हम कैसे क्वेश्चन को समझेंगे। अब पूछा क्या है, वीटी और आईएफ में आपको बोल रहा है कि भाई वीटी और आईएफ पे आप कमेंट करो, इसमें ऑप्शंस आप पढ़ोगे तो कहीं पे डिक्रीज मिलेगा, कहीं पे इंक्रीज मिलेगा, कहीं पे दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम ऑप्शंस फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, आगे चले, ओके, ठीक। अब देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अ 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस जनरेटर इनिशियली कनेक्टेड टू अ लॉन्ग लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन व्हिच इज ओपन सर्किटेड एट द रिसीविंग एंड, वापस हमने लाइन पढ़ ली, ठीक, इस बार हमें थोड़ी सी जल्दी पढ़ना क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हम एक ही लाइन को धीरे धीरे द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेस ऐसे नहीं पढ़ना, एक बार हमें आराम से पढ़ना है, एक बार हमें थोड़ा सा पेज से पढ़ना है क्योंकि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो आप समझ चुके हो, ठीक है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, हम सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है, सोल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं कि हम एंड स्टार्ट कैसे करें हमारे सोल्यूशन को। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बोला है उसे, हमारे जो फील्ड एक्साइटेशन है यानी कि जो हमारा फील्ड वोल्टेज कह लो आप अभी के केस में, जो हमारा फील्ड वोल्टेज है
वो देखो यहाँ पे विद द फील्ड वोल्टेज हेल्ड कांस्टेंट, बहुत ही बढ़िया। फील्ड वोल्टेज हमने क्या रखा है, फील्ड वोल्टेज हमने रख दिया है कांस्टेंट, यानी कि अगर फील्ड वोल्टेज 100 है तो वो 100 ही है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अगर फील्ड वोल्टेज कांस्टेंट है तो हमारा आईएफ वो बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा, बताओ। ये इसका जवाब आपको देना है, हमारे में, मुझ में और आप में, हम दोनों बातचीत करते हुए चलेंगे ताकि मैं आपके थॉट्स को समझ सकूं, आप मेरे थॉट्स को समझ सकूं, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मेरे पास फील्ड वोल्टेज कांस्टेंट है तो मेरे पास फील्ड करंट बदलेगा कैसे, बदलेगा, बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, तो वो अब आप मेरे को क्लियर करो कि सर फील्ड वोल्टेज कांस्टेंट है तो फील्ड करंट में ये बदलाव हमें देखने को मिलेगा। बोलो भाई, फील्ड करंट में हम क्या करें, फील्ड करंट वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। किसी को कोई दिक्कत यहां पे समझने में, पक्का है, आगे चल दें, कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? ओके, तो ये तो हो गया एक पार्ट क्वेश्चन का कि भैया ये तो हमने कर दिया, हमारे एनालाइज कर लिया हमने कि भैया फील्ड करंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या था, वीटी। वीटी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। अब अगर मैं आपको यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं, किसका, जनरेटर, सिंपल जनरेटर ले रहे हैं हम, अभी हम इसमें और कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, मैं यहां पे वीटी लेता हूं, यही है वीटी, सब एग्री करते हैं। वीटी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, बहुत बढ़िया। यहां पे है मेरे पास ईएफ। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था, वो ये था कि आपने आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको और जनरेटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं ये कहूं कि डिस्कनेक्ट आपने 10 मिनट बाद किया, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5वें मिनट पे जनरेटर ट्रांसमिशन है, दोनों कनेक्टेड थे, तब कंडीशन क्या रही होगी, तब वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज क्या रहा होगा, बताओ। भाई मैंने 10 मिनट पे उसको डिस्कनेक्ट किया, तो 5वें मिनट पे हमारे पास दोनों में कनेक्शन था, बिल्कुल था। तो जब यहां से हमारे पास कनेक्शन था तो हमारी जो लाइन है अभी वो कैसी है, नो लोड पे है, ठीक है, नो लोड पे है ना। देखो, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन विच इज ओपन सर्किटेड एट द रिसीविंग एंड, यानी कि हमारे पास कोई लोड नहीं है, लेकिन भाई हमें हमारी जो लाइंस हैं उनको भी तो चार्ज रखना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, आपने अपने घर का पंखा बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये कहता हूं आपको कि अब आप मेरे हिसाब से चलाना उस पंखे को, मैं जब कहूं तब आप चालू करो, मैं जब कहूं तब आप बंद करो, तो आप कहोगे सर ये तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, मेरे को जब गर्मी लगेगी तब मैं चालू करूंगा, है कि नहीं, ठीक है। तो जब आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, यानी कि जब आपको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग पंखा चलाना है, तो मेरे को आपको जो सप्लाई है वो पूरी देनी पड़ेगी, यानी कि मेरे को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि यार आप कभी भी पंखा चला सकते हो, मेरे को हमेशा इलेक्ट्रिसिटी तैयार रखनी पड़ेगी। तो उसी वजह से हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो नो लोड पे भी क्या ड्रॉ करती हैं, चार्जिंग करंट ड्रॉ करती है। कौन सा करंट, चार्जिंग करंट, ठीक है, ये साधारण करंट नहीं है, ये कौन सा करंट है, चार्जिंग करंट। और चार्जिंग करंट काम क्या कर रहा है, चार्जिंग करंट ये काम कर रहा है जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स है वो हमेशा तैयार रहे आपको एनर्जी सप्लाई करने के लिए। ऐसा नहीं हो आप बटन अभी चालू कर रहे हो, लाइट आ रही 10 मिनट बाद, भैया पहले लाइन चार्ज होगी उसके बाद पंखा चलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। पंखा चालू तुरंत होना चाहिए, बटन चलाया पंखा चालू, बटन चलाया पंखा बंद, तुरंत होना चाहिए काम, ऐसे धीरे धीरे काम में सिस्टम फेल है हमारा, ठीक है। तो लोड नहीं है, कनेक्टेड है ट्रांसमिशन लाइन और जनरेटर, तो हमारे पास चार्जिंग करंट होगा, और चार्जिंग करंट है इसका मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि टर्मिनल वोल्टेज उस कंडीशन में हमारे जो ईएफ है उससे बड़ा होगा, तो किसी को कोई आपत्ति है इसमें, बताओ भाई किसी को कोई आपत्ति है इसमें, बोलो। सब एग्री करते हैं मेरी बात से कि अगर हमारे पास चार्जिंग करंट है तो हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज है वो जो जनरेटेड वोल्टेज है उससे ज्यादा है, यानी कि ईएफ से ज्यादा है। तैयार है सब यहां तक? चलो भैया ये तो हो गई कहानी, पर अभी तक हमारा जो मकसद था क्वेश्चन का वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब आपने स्विच ओपन कर दिया, यानी कि जनरेटर ट्रांसमिशन लाइन में आपने कनेक्शन तोड़ दिया, यानी कि कनेक्शन में बाधा आ गई। अब अगर कनेक्शन में बाधा आई है तब आप मेरे को बताओ कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो वो क्वेश्चन का डिमांड है। तो हमने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं कहता हूं कि भैया ये है मेरा जनरेटर, अब ये मैंने स्विच ओपन कर दिया, मैंने क्या किया,
ये स्विच मेरा हो गया है ओपन। टी इक्वल्स टू, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं आपको अभी 10 मिनट पे, ये था क्लोज। टी इक्वल्स टू 5 मिनट पे, यानी कि 10 मिनट में मैंने क्लोज किया, तो उसके पहले स्विच क्लोज था, हमारी लाइन चार्ज हो रही थी, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या हुआ, 10वां मिनट आया, मेरे दिमाग में आया स्विच ओपन करना है, मैं स्विच ओपन कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो भैया स्विच ओपन हो गया। अब अगर स्विच ओपन हो गया, अब क्वेश्चन का यही डिमांड है कि जब आप स्विच ओपन कर रहे हो तो आप बताओ कि ये बीटी बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा क्या होगा, अब बताओ इसका जवाब अब आप दोगे कि भाई बीटी पे ये डिपेंड, ये फर्क पड़ रहा है या फिर ये हो रहा है बीटी पे, तो आप ये बता दो मेरे को कि बीटी पे क्या हो रहा है, बोलो। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोचो और बताओ बीटी बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो, पावर सिस्टम में जब तक जोर नहीं डालोगे दिमाग पे तब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्वेश्चंस होंगे तभी जब कंसेप्ट समझोगे, दिमाग पे जोर डालोगे, थोड़ा सा इमेजिन करोगे कि यार ऐसे होगा तो वैसे होना चाहिए, ये होगा तो ऐसा होना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने दिमाग को एक्सरसाइज करो, इमेजिन करो, इमेजिनेशन की थोड़ी सी पावर बढ़वाओ अपने दिमाग की, ठीक है। तो मैं अभी बता देता हूँ, देखो बी टी क्या है, अभी हम कह रहे हैं भैया आपने स्विच ओपन कर दिया, अब चार्जिंग करंट हमारे लाइन्स पे फ्लो नहीं कर रहा, तो अगर चार्जिंग करंट हमारी लाइन में फ्लो नहीं कर रहा तो मैं अगर आपसे कहूं कि जो बी टी है वो क्या होगा, वो हमारा जो बी टी है वो जीरो हो जाएगा। सब एग्री करते हैं इस बात से, कोई दिक्कत है किसी को? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो बी टी है, जो स्टेडी स्टेट टर्मिनल वोल्टेज, यही डिमांड था क्वेश्चन का, तो स्टेडी स्टेट टर्मिनल वोल्टेज पहले कुछ वैल्यू पे था, ईएफ से बड़ी, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये निमाई का क्वेश्चन नहीं है, ये एनालिटिक का क्वेश्चन है। ईएफ अगर आप 100 लेते हो तो आप बीटी को 200 ले सकते हो पहले केस में, लेकिन अब क्या हुआ, अगर बीटी पहले 200 था तो अब बीटी कितना हो गया, अब बीटी हो गया हमारा 0, इसका मतलब बीटी में डिक्रीमेंट हुआ है, बीटी डिक्रीज हुआ है अपने इनिशियल वैल्यू से, जब आपने 10 मिनट के पहले जब नोट डाउन किया, 10 मिनट के बाद जब नोट डाउन करी तो बीटी में डिक्रीमेंट देखने को मिला, तो बीटी हमारा डिक्रीज हुआ, फील्ड करंट हमारा कांस्टेंट रहा। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। अब जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, अब आपका क्या काम है, अब आप ऑप्शन आइडेंटिफाई करो कि यार अब मेरे को ऑप्शन पता लगाने हैं कि ऑप्शन कौन सा है मेरा। ऑप्शंस पढ़ो, द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेस, ये तो पहले ही गलत हो गया भैया, गलत है ये तो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा टर्मिनल वोल्टेज का मैग्नीट्यूड वो डिक्रीज हो रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेस, पहले से गलत। डी ऑप्शन पे आओ, द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वोल्टेज डज नॉट चेंज, ये भी गलत है क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज या डिक्रीज में से आंसर आएगा। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेस, भैया ये भी गलत कह रहे हो क्योंकि पहले हमारे पास वी टी था, अब जीरो हो गया। अब बचा कौन सा, द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस, बहुत ही बेहतरीन सही जवाब है, लेकिन अभी हमें आई एफ चेक करना है, आई एफ भूलना नहीं है चेक करना, एंड द फील्ड करंट डज नॉट चेंज, बहुत ही बेहतरीन भैया, यही है हमारा आंसर, यानी कि फील्ड करंट हमारा चेंज नहीं हुआ और जो वोल्टेज था वो कुछ एक इनिशियल वैल्यू से कुछ डिक्लाइन हो गया, कुछ नीचे आ गया, कुछ नीचे नहीं वो जीरो पे आ गया, तो हमारा डिक्रीमेंट हो गया वोल्टेज का। समझ गए क्वेश्चन? तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी बड़ी है, 10 लाइनों का क्वेश्चन, पूरी रामायण इसने कह दी क्वेश्चन में। अब जब आंसर की बात आई तो आंसर पर थोड़ा सा एनालिसिस करना था कि यार वोल्टेज कौन सा वोल्टेज, वी टी और ई एफ, इन दोनों में आप देखो क्या रिलेशन संबंध, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है दोनों में, और उनको आप एस्टैब्लिश करो और उससे आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है बात। तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कंसेप्ट को समझना। हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जब लाइन में चार्जिंग करंट फ्लो होगा तो हमारे पास वी टी की वैल्यू ई एफ से ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि हमारी लाइन में चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा है। चार्जिंग करंट कब फ्लो होता है, चार्जिंग करंट हमेशा हमारी लाइन्स में फ्लो होता है अगर आपकी लाइन और जनरेटर कनेक्टेड है तो। एग्री करते हो सारे बात, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया है, ओके चलो। तो अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फॉर द बैलेंस्ड स्टार स्टार कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्शन कैसा है, कनेक्शन है स्टार और स्टार, ओके। थ्री फेज सर्किट, ठीक है, अब थ्री फेज सर्किट है और कनेक्शन कैसा है स्टार स्टार, तो ये बात आप नोट करते हुए चलो, स्टार स्टार थ्री फेज, ठीक है, शोन बिलो, ये पूरा फिगर उसने बना दिया है। द लाइन टू लाइन वोल्टेज 208 वोल्ट आर एम एस, इस क्वेश्चन में
अभी तो एक हिडन जो चीजें हैं वो मैं आपको एक दो चीजें बताने वाला हूँ, तो उन चीजों का आपको थ्रू आउट पावर सिस्टम, थ्रू आउट मशीन्स, थ्रू आउट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और थ्रू आउट मैं कहूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसको तो मैं जनरलाइज भी कर रहा हूँ, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, कोई शंका वाली बात नहीं, वो क्या है वो मैं आपको 2 मिनट में बताने वाला हूँ, जुड़े रहो मेरे साथ। अब देखो लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना है, ठीक है भैया 208 वोल्ट, बहुत बढ़िया। टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, लोड क्या है, यहाँ पे जो इम्पीडेंसेस लगाए हुए हैं हमने वो है लोड, ये जो हमारे लोड्स हैं वो 432 वाट, ओके, एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.6 लीडिंग, यानी कि हमारे पास जो लोड जो पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कौन से पावर फैक्टर पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लोड है क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर पे पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इम्पिडेंस जेड, अब इसने हमसे जेड की वैल्यू पूछी है कि आप ये जेड की वैल्यू मेरे को बता दें, जेड की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, ठीक है। अब आप लोगों को क्यूरियोसिटी तो होगी कि सर आप क्या बताने वाले थे, तो देखो सबसे पहली बात ये मैं आपको जनरलाइज कर रहा हूँ और ये कभी भी चेंज नहीं होगी, थ्रू आउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको ये बात अपने दिमाग में बसा लेनी है कि चलो भैया अभी का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें क्या लिखा था, द लाइन टू लाइन वोल्टेज 208 वोल्ट्स RMS, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये आपसे कहूं कि इसको मैं मोटा कर लेता हूं, अब देखो अगर मैं आपसे कहता हूं द लाइन टू लाइन वोल्टेज को मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए क्वेश्चन अभी हमारा हुआ नहीं है, मैं आपको जो बेसिक जो हिडन जो क्वालिटीज है इस क्वेश्चन की वो समझाने वाला हूं, अगर मैं आपको ये लाइन हटा दूं और बोलूं कि द गिवन वोल्टेज इज 208 वोल्ट्स RMS, इसकी जगह मैं लिखता हूं द गिवन वोल्टेज इज 208 वोल्ट्स RMS, 208 वोल्ट्स RMS, ठीक है। अगर ये आपको गिवन है और आपको कुछ और नहीं गिवन, आपको लिखा है द गिवन वोल्टेज इज दिस, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस गिवन वोल्टेज को 100, 200, 300 जो भी गिवन है उसको आप लाइन वोल्टेज मान के चलोगे, ये बात अपने दिमाग में बसा लेना, क्या मान के चलोगे, लाइन वोल्टेज मान के चलोगे, ठीक है। इसका मतलब वहां पे गिवन है या नहीं गिवन है आपको वो लाइन वोल्टेज ही मानना है, गिवन है बहुत ही अच्छी बात है, कन्फ्यूजन की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना जैसे जैसे हम आगे चीजें पढ़ लेंगे तो एकदम आप इसको भूल जाते हो, भूल जाओगे तो सोचोगे यार ये कौन सा वोल्टेज है, फेज वोल्टेज लूँ कि लाइन वोल्टेज लूँ, कौन सा लूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है तो आपको ये जो वोल्टेज है उसको लाइन वोल्टेज ही मान के सॉल्व करना है, फिर आपको फेज की रिक्वायरमेंट है तो आप फेज कैलकुलेट करो, लेकिन अगर वो मेंशन नहीं है तो आप उसको लाइन वोल्टेज मान के चलोगे, ठीक है। बात ये तो हो गई पहली बात, अब दूसरी बात, ठीक है, थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं यहाँ पे, ओके। अब हमारी सेकंड सेकंड बात, सेकंड बात क्या है, सेकंड बात हमारी ये है कि हमारे पास क्या गिवन है, स्टार स्टार कनेक्टेड, तो स्टार कनेक्शन में जो हमें एक याद रखना है वो क्या याद होना चाहिए, VL और V फेज के बीच में इसका रिलेशन हमें याद होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीत जाती है, 4 साल खत्म हो जाते हैं उनके, लेकिन उनको ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज मतलब समझ नहीं आता, तो डिफरेंस यानी कि उनका जो इक्वेशन है स्टार में कैसे रिलेशन होता है, डेल्टा में कैसा होता है, वो पता नहीं होता उनको, तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि स्टार में कैसा होता है, VL बराबर √3 V फेज, और सेकेंड पॉइंट हमारे जो करंट्स हैं वो हमारे होते हैं सेम, यानी कि IL इक्वल्स टू I फेज होता है स्टार कनेक्शन में। जैसे ही आप डेल्टा में आते हो तो डेल्टा में आप एकदम इसका उल्टा कर दो, करंट में √3 का चेंज आएगा, IL इक्वल्स टू √3 I फेज, जो हम डेल्टा पढ़ेंगे तो डेल्टा में भी हम लिख लेंगे और वोल्टेज वहां पे सेम रहते हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चन की तरफ आगे, ओके, अच्छा तो ये चीजें मेरे को बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है एकदम क्लियर कट, वो आपको याद रखनी है, वो इस क्वेश्चन के लिए ही बताई है मैंने, वो मैंने थ्रू आउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बता दी है कि अगर आप कभी फंस जाओ तो उसको आप लाइन वोल्टेज ट्रीट करके चलोगे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है यहाँ तक, किसी को भी कोई डाउट है, डाउट है तो आप कमेंट्स में अभी पूछ लो, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कंसेप्ट बड़े होते जाएंगे कन्फ्यूजन और बढ़ेगा, डाउट है अभी कमेंट करो, अभी पूछो, बोलो 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, किसी को भी डाउट है तो अभी वो पूछ सकता है, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं वो मैं देख रहा हूँ, जल्दी बताओ। कोई डाउट है, नहीं है, आगे चले, ओके। अब देखो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इम्पिडेंस सेट,
उसने हमसे पूछा है जेड की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है इम्पिडेंस की, ठीक है। इम्पिडेंस हमारा क्या है, फेज वैल्यू है। ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर, ये तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फर्स्ट क्लास में, पहले सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास में ही देख लेते हैं। हम क्लास में एंटर करते हैं, मास्टर हमें बताता है कि यार ये ओम्स लॉ ये होता है, ठीक है। तो ये है हमारा ओम्स लॉ, बस यहाँ पे आर की जगह अब क्या आ गया, इम्पिडेंस, क्योंकि हमारे पास जो लाइन्स है या जो अभी कनेक्शन है वो स्टार कनेक्शन है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा, वो पूरा इम्पिडेंस जो भी है वो हमें निकालना है। तो जेड फेज अगर मैं निकालूं यहाँ से तो क्या होगा, वी फेज अपॉन आई फेज, ठीक है, यही होगा वी फेज अपॉन आई फेज, ठीक है। तो अब हमारे पास वी फेज हमें गिवन है, ये है लाइन टू लाइन वोल्टेज, इसको हम फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी आई फेज निकालने की। आई फेज कैसे निकालते हैं, अब आप मेरे को वो बताओ। सबसे पहले वी फेज निकाल लेते हैं, वी फेज अगर मेरे को स्टार कनेक्शन में निकालना है तो मैं कौन सा रिलेशन लगाऊंगा, वी एल बराबर रूट थ्री वी फेज, यही वी एल कितना है 208 वोल्ट्स, उसको मैं रूट थ्री से डिवाइड मारता हूँ तो हमारे पास आएगा वी फेज की वैल्यू। तो आप सब लोग अब अपना कैलकुलेटर लेके बैठा करो क्लास में, ताकि कैलकुलेशंस आप भी करो मैं भी करूँ, दोनों के आंसर मैच हो जाएंगे, तो जल्दी हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 208 अपॉन रूट थ्री है ना, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 208 डिवाइड बाय रूट थ्री, 208 डिवाइड बाय रूट थ्री, और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास ये है हमारा 208 डिवाइड बाय अंडर रूट थ्री, ये आ रहा है हमारे पास 120.08। क्लियर है बात यहां तक, कितना आ रहा है 120.08 वोल्ट्स। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास आई फेज, अब हमें निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है आई फेज, अब हमें आई फेज निकालना है। तो आई फेज निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपको पावर गिवन है, बहुत अच्छी बात है, पावर फैक्टर भी गिवन है, सोने पे सुहागा हो गया है, तो कोई कभी कभी का होता है ना पावर फैक्टर, वो देता नहीं आपको, तो आपको पावर फैक्टर गिवन है, इसका मतलब वो आपका क्वेश्चन आसान बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पावर फैक्टर हमको गिवन है, बहुत बढ़िया, वोल्टेज हमको गिवन है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमें जो निकालना है वो क्या है, आई फेज। अगर मैं पावर का ये फॉर्मूला लिखता हूँ, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस ऑफ फाई, तो किसी को कोई दिक्कत है कि सर ये कैसे लिख दिया, थ्री फेज पावर में रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई ही हमारा फॉर्मूला होता है, ये तो सबको याद है, सबको सब जानते होंगे इस फॉर्मूले को अब तो, ठीक है, बहुत बढ़िया। पावर गिवन है रूट थ्री, ओके, वी एल हमें यहाँ से मिल गया, क्योंकि वी एल तो क्वेश्चन में गिवन भी था, हमें वी फेज मिला है वहाँ से, ठीक है। आई एल हमें निकालना है, कॉस फाई हमें गिवन है। तो अब देखो हमारे पास कितना आसान काम है, आई एल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें गिवन है, आप उसको सॉल्व करो। तो देखो नेक्स्ट में चलते हैं, आई एल अब आप यहाँ से निकाल लो, आई एल कैसे निकालोगे, 432, ये तो हमारा क्या था, 432 था हमारा पावर, ठीक है, ये क्या था हमारा पावर, ऊपर से यहाँ पे रूट थ्री डिवाइड वी एल डिवाइड और कॉस फाइव डिवाइड, बहुत अच्छी बात है। तो रूट थ्री वी एल कितना था 208, कॉस फाइव कितना था 0.6, इसको कैलकुलेट करो, मैं भी कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करो, ये कितना है 432 डिवाइड बाई रूट थ्री, ठीक है 208, ठीक है, और 0.6, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है बताओ भाई, इसका आंसर कितना आया, आई एल आप जवाब दो, मैं तो लिख ही दूंगा, मैं तो कैलकुलेट कर लिया, बताओ कितना आ रहा है, आई एल आ रहा है हमारा 2 एम्पीयर, ठीक है, आई एल हमारा कितना आ रहा है 2 एम्पीयर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, सब कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, पावर सिस्टम मशीन्स पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन कंटेंट इन इन दो चीज़ों में होता है, तो बिना कैलकुलेटर के काम नहीं चलेगा, आपको कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है, मोबाइल में चलाओ, कैलकुलेटर में चलाओ, साइंटिफिक ले लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा,
ना आपको दिक्कत ना मेरे को दिक्कत, मैं अभी वही लेकर आता हूँ, साइंटिफिक ही है मेरे पास भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 एम्पियर्स। हमने स्टार्ट किससे किया था? स्टार कनेक्शन से। स्टार में हमने सबसे पहले यही देखा था कि IL कितना है, I फेस के बराबर, ये देखा था। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, अभी तो मिटारा भी नहीं है। IL किसके बराबर है? I फेस के बराबर है। इसका मतलब I फेस मिल गया, V फेस मिल गया, बचा क्या? Z फेस। अब Z फेस निकालने के लिए तो अब हमें कोई रॉकेट साइंस लगानी नहीं है, Z फेस तो सबसे आसानी से आ जाएगा। Z फेस V फेस अपॉन I फेस। V फेस कितना है? 120.08। बहुत अच्छी बात है। 120.08 डिवाइड बाय 2, 60.02, ये आ गया हमारे पास Z फेस की वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत है? V फेस हमारे पास 120.08 आया था, I फेस 2, उसी को हमने डिवाइड किया है और हमारे पास आ गया है हमारा Z फेस की वैल्यू। अब एक बार ऑप्शंस पे गौर करो। ऑप्शंस में 60 अप्रॉक्सीमेट पूछा था उसने, तो 60.02 को हम 60 अज्यूम करेंगे, ठीक है। 60 एट एन एंगल -53.1 डिग्री ओम्स, बहुत अच्छी बात है। और 60 एट एन एंगल 53.1 डिग्री ओम्स। अब ये है पेचीदा बात और ये है कंफ्यूजन पैदा करने वाली बात। अगर मैं आपको ये ऑप्शन ऐसे दे देता, यहाँ पे मैं आपको चारों ऑप्शन अलग देता और एक ही जगह में 60 लिखता, तो आप आराम से पहचान जाते कि सर 60 आ गया, एंगल से मतलब ही नहीं। लेकिन अब हमें एंगल पे भी फोकस करना पड़ेगा कि -53 होगा या +53 होगा, ठीक है। अब ये -53 क्या है और +53 क्या है, उसका रीजन मैं आपको यहीं पे देने वाला हूँ। देखो हमारे पास क्वेश्चन में पावर फैक्टर कितना है? 0.6 लीडिंग, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे एंगल निकालो, यानी कि cos phi इक्वल्स टू कितना है? 0.6। तो phi कितना है? आप बोलोगे सर cos इनवर्स ऑफ 0.6। देखो निकालो cos 0.6 और ये हो गया हमारा cos इनवर्स, कितना आ रहा है? 53.1 डिग्रीज। ये तो हमने एंगल निकाल लिया, लेकिन अब साइन की बात। अब साइन क्या लेंगे? प्लस लें माइनस लें, क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही है। प्लस ले लिया तो भी रस हो सकता है, माइनस लिया तो भी रस हो सकता है। हमें चूज करना है हमारा सही ऑप्शन। अब वो ऑप्शन कैसे होगा, ये है इस क्वेश्चन की तीसरी खासियत। पहली, दूसरी ये, तीसरी मैंने ये बताई थी वोल्टेज वाली, और चौथी कौन सी है? ये एंगल्स वाली। इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया, क्योंकि क्वेश्चन उठाने में मतलब ये है कि आपको जो कंसेप्ट है वो आपको समझाया जाए। तो अब ये है -53, ये है +53, कौन सा ले? तो हम एंगल्स किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं? हम एंगल डिसाइड करते हैं कि हमारा जो लोड है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है या फिर लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। सब जानते हैं लीडिंग क्या होता है, लैगिंग क्या होता है, ठीक। लैगिंग कब होता है? जब हमारा जो लोड है वो एक्सेस में रिएक्टिव पावर डिमांड कर रहा है। और लीडिंग कब होता है? जब हमारा जो लोड है वो एक्सेस में रिएक्टिव पावर डिमांड नहीं कर रहा, ऊपर से वो हमारे सिस्टम में जो लैगिंग पावर फैक्टर, जो लैगिंग रिएक्टिव पावर की जो डिमांड है वो कुछ सप्लाई भी कर रहा है, उसमें भी कुछ मदद कर रहा है। उस लैगिंग लीडिंग, क्लियर है सबको, ठीक है। अब हमारा लोड कैसा है? हमारा लोड है लीडिंग। लीडिंग का मतलब क्या है? हमारा जो रिएक्टिव पावर जो कंटेंट है वो कम है। अगर रिएक्टिव पावर कंटेंट कम है तो हमारे पास जो साइन हम यूज करते हैं, जो साइन कन्वेंशन है, वो क्या होते हैं? लीडिंग के लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं, लैगिंग के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल जेड फेज आया, फाइनल जेड फेज आया वो कितना आया? 60.02 एट एन एंगल -53.1 डिग्रीज, ठीक है, 53.1 डिग्रीज। तो ये माइनस जो है इसका आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट बहुत जोर दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये माइनस अक्सर हमारे क्वेश्चन गलत करवाता है। अक्सर आप पूरे कैलकुलेशन करोगे, ऐसे ऐसे ये आंसर आ गया 60 आ गया, 53.1 डिग्री आ गया, ठीक है। जल्दबाजी में क्या होता है ना, माइनस माइनस और प्लस पे हम ध्यान नहीं देते। जैसे ही आपका ध्यान हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, खत्म खेल। दो नंबर का क्वेश्चन गलत, ऊपर से नेगेटिव हो गए वो अलग। तो एक तो नुकसान, ऊपर से डबल नुकसान, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है अपना, ठीक है। तो साइन हमें एकदम ध्यान से रखने हैं।
प्लस आएगा माइनस आएगा, लोड कैसा है उस पर डिपेंड करेगा साइन का पूरा खेल, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा। ठीक है आगे चले, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? आगे चले ओके, कोई दिक्कत है तो अभी बता दो, 5 सेकंड का टाइम है फिर से दे रहा हूँ, वरना फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करें। बताओ कोई दिक्कत है किसी को अभी तक? यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, एकदम आराम से चल रहे हैं हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है, कंसेप्ट समझना मेन काम है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स अभी तक तो किसी के आए नहीं है अभी तक तो, ठीक है ओके ठीक है ओके आगे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास का, कंसिडर एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि आपने देखा है ना आपके घर पे जो ट्रांसमिशन लाइन जाती है, जो ऐसी झूलती हुई लाइन जा रही है, ऐसी जो ऐसे होती है ना ऐसी झूलती हुई लाइन जाती है, खेतों में देखी होंगी, खेत खलियानों में जहाँ पे शाहरुख खान की पिक्चरों की शूटिंग होती है वहाँ से भी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, ट्रेन में जा रहे हो आप ट्रेन से भी ट्रांसमिशन लाइन है, कभी खेत आ रहे हैं बड़े बड़े तो वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है, तो बस उन्हीं की बात हो रही है। कंसिडर एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद अ 3-phase 50 Hz बैलेंस्ड सिस्टम विद कंडक्टर्स लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। ये हो गई पूरी कहानी, पूरी कहानी को उसने एक डायग्राम में बता दिया। ये लाइन शायद आपको विजिबल नहीं होगी, मैं इस लाइन को थोड़ा सा बना देता हूँ। ठीक है अब तो विजिबल है ना ओके, यह है एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। जनरल नॉलेज का सवाल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स कितने के होते हैं? सबसे बेसिक क्वेश्चन है यार, है तो ये तो 9-10 में पढ़ लेते हैं, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है इसके लिए ज्यादा, ये सारे एंगल्स कितने डिग्रीज के हैं जल्दी बता दो फटाफट, कितने क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्रीज के। ठीक है ये आपकी जनरल नॉलेज की बात हो गई, बस सबको पता होगा यार, ये तो सबको पता है ना कि अपना ये जो तीनों एंगल्स हैं उनका वो सिंगल सिंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्रीज के होते हैं ओके। ठीक है चलो अब क्या बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे हमारे कंडक्टर्स हैं, यानी कि ये एक कंडक्टर हो गया, ये एक कंडक्टर हो गया, ये एक कंडक्टर हो गया। ठीक है ये आपस में कितने दूरी पे है? DAB, DBC, DCA। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दूरी भी सेम होगी, ये अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में है तो ये सेम दूरी पे होंगे, ये सेम है और ये सेम है। ठीक है वो कितना है? 1 मीटर। बहुत ही बढ़िया। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स आर निगलेक्टेड, ये तो क्वेश्चन में लिखा हो नहीं लिखा हो हम निगलेक्ट ही करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि रेजिस्टेंस इज 100 ohms तब आप उसे निगलेक्ट नहीं करोगे। ये बात छोटी छोटी सी बातें हैं, ये जैसे ही आप इनको अपने दिमाग से निकालते हो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। ठीक है ना तो ध्यान एकदम क्वेश्चंस पे, अपने बेसिक्स पे और वर्डिंग्स पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या अज्यूम करने को कह रहा हूँ, क्या अज्यूम करने को नहीं कह रहा हूँ, तो वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है द रेजिस्टेंसेस ऑफ द कंडक्टर्स आर निगलेक्टेड, बहुत बढ़िया हमारा काम आसान हुआ। द GMR ऑफ ईच कंडक्टर इज 0.01, बहुत ही बढ़िया बात। हमारे आधे परेशानी तो उसकी होती कि GMR और GMD कौन निकालेगा, कौन अंडर रूप लेगा, कौन कैपेसिटर चलाएगा, है ना, ये होती सबकी दिक्कत, सबके साथ ही होती है, मेरे साथ भी होती है, इतना बड़ा अंडर रूट लेना पड़ेगा, फिर उसका फोर्थ रूट लो, कभी 9th रूट लो, है ना, कौन करेगा इतना, तो उसने काम थोड़ा सा आसान किया हमारा। क्या बोला? 0.01 meter का GMR है, बहुत बढ़िया। निगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस इन ओम पर किलोमीटर राउंडेड ऑफ टू 3 decimal places। अब इसमें एक बात आप बताओ मेरे को, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने सब कुछ समझ लिया, लेकिन मेरे को पता है आपको दिक्कत कहाँ आई होगी, आपको दिक्कत आई होगी सर ये लाइन का मतलब क्या है, निगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस इन ओम पर किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो टॉपिक है GMR GMD का, इंडक्टेंस का, ट्रांसमिशन लाइन्स का, उसमें फॉल्ट एनालिसिस आ गया, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस तो हम फॉल्ट एनालिसिस में देखते हैं ज़्यादातर, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो दोनों टॉपिक मिक्स हो गए, अब कैसे सॉल्व करें इसको, हम इसीलिए सॉल्व नहीं करते पावर सिस्टम के क्वेश्चन, इसीलिए हम लीव कर देते हैं। लीव नहीं करना है, ये आपको डराने का एक तरीका होता है एग्जामिनर का, उसे पता है आप किन चीज़ों से डरते हो, उसे पता है कि आपकी दुखती नब्स कौन सी है, फॉल्ट एनालिसिस उसे पता है आपका कमजोर है, उसे पता है कि आपको जैसे ही दो टॉपिक्स का मिक्सअप क्वेश्चन दे दिया आप घूम जाओगे यार ये क्या आ गया छोड़ो, सबसे पहले आप स्किप करते हो उसको, अटेम्प्ट भी नहीं करेगा, कोई पढ़ने का कोशिश भी नहीं करेगा जैसे वो ये लाइन पढ़ लेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तसल्ली से, शांति से, आराम से। ठीक है आगे चलते, चलो भैया
अब मैं आपको इसका ये राह बताता हूँ कि ये क्वेश्चन में अगर मैं निगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है, अगर मैं ये क्वेश्चन में ये आपको नहीं देता तो भी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बदलेगा। ये आपको घुमाने की तरीके हैं, आपको डराने के तरीके हैं जो एग्जामिनर बार बार हर साल आजमाता है। आप देख लो कोई सा भी पेपर निकालो, उसमें हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको डराने के लिए होता है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, हटा डर हटा ही दो अपने दिमाग से, बिल्कुल हटा दो, ठीक है। चलो आगे, द रेजिस्टेंसेज ऑफ द कंडक्टर्स आर निगलेक्टेड, बहुत बढ़िया। और ये है हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, हमें निकालना है। अब सबसे पहले हमें निकालना है रिएक्टेंस की वैल्यू। रिएक्टेंस क्या है? हमारा इंडक्टेंस अभी के केस में, क्योंकि इंडक्टेंस ही क्यों, क्योंकि ये है हमारी लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइंस में हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को ही काम में लेके चलते हैं। रेजिस्टेंस उसने मना कर दिया कि आप निगलेक्ट कर दो, बचा क्या इंडक्टेंस, बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास अब निकालने के लिए बचा क्या, मेरे पास निकालने के लिए बचा इंडक्टेंस, ठीक है, मेरे पास निकालने के लिए क्या बचा, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का सारे फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दो, मैं देखना चाहता हूं कि आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद है कि नहीं है। जल्दी से लिख दो फटाफट, आपके पास है 15 सेकंड, जल्दी से इंडक्टेंस का फॉर्मूला फटाफट कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा हूं अभी तक तो आया नहीं है किसी का, जल्दी बताओ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, जल्दी बोलो। मैं लिख दो, हो गए 15 सेकंड। चलो हमारे पास इंडक्टेंस का फॉर्मूला 2 × 10⁻¹⁷ ln GMD अपॉन GMR हेनरी पर मीटर्स होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है ताकि किसी को भी अगर याद नहीं है, किसी में ऐसा होता है ना कभी कभी क्लिक नहीं करता कि सर GMR ऊपर था, GMD नीचे था, क्या था, तो मैंने आपको रिवीजन के लिए भी लिख दिया है, ठीक है। कंसेप्ट और तैयारी हमें चाहिए पूरी, आधे अधूरे से मतलब नहीं है, कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन पूरे करेंगे और तसल्ली से करेंगे, आराम से करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमें निकालना है L यानी कि इंडक्टेंस, ये तो कांस्टेंट है, GMR क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन दिक्कत है GMD में। दिक्कत कहाँ है? GMD। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे को GMD निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसका क्यूब रूट, यही करोगे। देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भैया आप मेरे को GMD निकालो, तो आप बोलोगे सर DAB ले लो, DBC ले लो और DAC ले लो, यही बोलोगे, यही बोलोगे ना, ठीक है। और ये कौन से रूट पे है, ये है थर्ड रूट पे, तो भैया हमने कह दिया ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या है, ये वन है, ये वन है, ये भी वन है, तो GMD कितना आ गया हमारा, GMD हमारा वन आ गया। ये सारे वैल्यूज क्या थी, वन थी, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, सारी वैल्यूज हमें वन गिवन थी क्वेश्चन में। ये है हमारा पूरा GMD, GMR क्वेश्चन में गिवन है, बहुत ही बढ़िया, आधा काम उसने कर दिया, आधा हमने कर दिया, तो GMD कितना हो गया, GMD हो गया हमारा 1 meters। अब इसमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है, अभी तो यहाँ पे क्या है, ये जो गिवन डेटा है DAP DBC DCA ये 1 meters है, बहुत बढ़िया, GMR 0.01 meters, बहुत अच्छी बात। लेकिन कभी कभी क्वेश्चनर एग्जामिनर क्या करता है ना, किसी भी दो में से एक को वो सेंटीमीटर में कर देगा, मिलीमीटर में कर देगा, तो आपको एक कॉमन SI यूनिट में लाना पड़ेगा, या तो आप सबको MM में ले आओ, मिलीमीटर में ले आओ, सबको सेंटीमीटर में ले आओ, सबको मीटर्स में ले आओ, वो आपकी इच्छा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस मैच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी यूनिट सेम है, हमें जरूरत नहीं पड़ी, हम आगे बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पास GMD आ गया, तो अब हमारे पास L की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, हमारे पास L की वैल्यू आएगी 2 × 10⁻¹⁷ ln GMD 1, GMR कितना 0.01 हेनरी पर मीटर। अब मैं कहता हूँ कि मेरे को L की वैल्यू कैलकुलेटर पे बताओ, कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए और सबको चलाओ उस कैलकुलेटर को, वो मूर्ति के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, वो प्रैक्टिस के लिए है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा नंबर। चलो सॉल्व करो, मैं भी कर रहा हूँ, ln 1 / देखो 0.01, इसको तो अपन ओरली कर लेंगे, कैसे होगा 1/100, देखो जितना हो सके दिमाग की एक्सरसाइज ज़्यादा करो, कैलकुलेटर पे कम से कम उंगलियाँ चलाओ, टाइम वेस्ट होगा, दिमाग आपका जल्दी काम करता है। ये क्या होता है, देखो 1/100 लिख सकता हूँ,
वन बाई हंड्रेड, ये हंड्रेड ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, हंड्रेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन टू द पावर टू। अगर मैं एल एन टेन टू द पावर टू लिखूँ तो इसी का जो दूसरा फॉर्म है वो कैसे होता है, टू एल एन टेन, यही होता है, सबको याद है ना, ये नोट नहीं करना, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कैसे होता है, टू एल एन टेन, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास जो अब बचा सॉल्व करने के लिए वो ये बचा सर, वो क्या बचा, टू आगे आ गया और ये हमने एल एन टेन ले लिया हेनरी पर मीटर, बहुत ही बेहतरीन। अब मेरे को ये सॉल्व करके बता दो कि एल कितना आ रहा है, फोर और एल एन टेन, ठीक है, फोर और एल एन टेन, एल एन टेन और ये एल एन, और ये क्या है फोर, तो ये आ रहा है हमारे पास 9.21 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर्स। ये कितना आ गया हमारे पास, इंडक्टेंस आया है 9.21 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर। कंप्लीट, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई है तो बता दो, 5 सेकंड का टाइम फिर से है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है किसी को, आगे चल जाऊं मैं, पक्का है, ठीक है। पर अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है, हमें निकालना है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है, 2 पाई एफ एल, ओमेगा एल कह लो, 2 पाई एफ एल कह लो, आपकी इच्छा है, क्योंकि एफ हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एफ आपको क्वेश्चन में गिवन है 50 हर्ट्ज, ये वैल्यू गिवन है 50 हर्ट्ज। तो बस हमारा काम हो चुका है, वो कैसे देखो, 2 पाई 50, एल कितना है, एल अभी हमने फटाफट से निकाल लिया, ये हेनरी पर मीटर की इसकी यूनिट से, ये हो गया एक्स। इसको अब सॉल्व करो यार, देखो ये हो गया अपने पास 100 और ये 921, ठीक है, डेसिमल हट जाएगा, ठीक है ना, दिमाग ज्यादा चलाना है, बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, दिमाग ज्यादा चलाओ, कैलकुलेटर कम चलाओ, आप पूरा सॉल्व कर लो, लास्ट स्टेप, यार आपको लगता है यार ये तो अब होगा ही नहीं मेरे से, तो मैं फिर कैलकुलेटर पे आऊंगा, लेकिन जब तक हो रहा है तब तक आप दिमाग में करो, ठीक है। 50 × 2 = 100, डेसिमल हट गए 921, 921 इंटू पाई, अब आप ये कैलकुलेटर से करो, मैं भी करता हूँ, 921 इंटू पाई, और ये क्या है 10⁻⁷, ठीक है, 921 इंटू पाई 28, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0.289 ओम पर किलोमीटर। सब समझ गए बात, मीटर्स को हम किलोमीटर्स में ले आए हैं ताकि हमारे पास जो डिग्रीज है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो किस यूनिट में है, वो है ओम पर किलोमीटर, ओम पर किलोमीटर। तो हमारा जो आंसर है, जो डिजायर्ड आंसर है, वो भी ओम पर किलोमीटर में ही आना चाहिए, क्योंकि देखो ये कैसा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर आप इसको ओम पर मीटर में सॉल्व करके आंसर लिख दोगे तो आपका आंसर गलत, आपकी मेहनत गलत, दो मिनट का दो नंबर का क्वेश्चन था, आपके लगभग इसमें चले गए 4 मिनट, 4 मिनट वेस्ट हो गए, नेगेटिव मार्किंग हो गई, सब गलत, वैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, तो आपके 2 नंबर तो गए, टाइम वेस्ट हो गया, आप बाकी क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो यूनिट्स का खासा ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताते जा रहा हूँ, वो आपको थ्रू आउट कोर्स याद रखनी है, ये मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, सबको बात क्लियर है, आराम से हम चल रहे हैं, ग्रेजुअली हम चल रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसे हमें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, पक्की बात है। आगे चले, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, ये आया है हमारा रिएक्टेंस की वैल्यू। अब आप अगर आपको कोई बोलता है भाई पॉजिटिव रिएक्ट, पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है, तो ये मतलब नहीं, हम सिंपल रखते हैं, ये रिएक्टेंस है, पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस की जरूरत पड़ेगी तब हम देखी जाएगी, अभी हमें जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको गुमराह करने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हमें उसकी बातों में नहीं आना है, ठीक है, पक्का है, ओके। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समय नोट डाउन कर लिया ना, सफिशियंट टाइम मैंने दे दिया है आपको, चलो फोर्थ क्वेश्चन। ये तो दिखने में ही खतरनाक लग रहा है, आधे लोग तो बोलेंगे सर ये तो आप ही करा दो, हम तो पेन भी नहीं उठा रहे इसमें, तो है ऐसा बोलोगे क्या यार, ऐसा मत करो, क्योंकि हमें क्वेश्चंस तो फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पावर सिस्टम में ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो आपको डराएगा, घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, कंसेप्ट आप पकड़ के चलो और क्वेश्चन करते चलो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अ सोर्स इज सप्लाइंग अ लोड थ्रू अ 2-phase 3-wire ट्रांसमिशन सिस्टम एज शोन इन द फिगर बिलो। इसका मतलब ये जो पूरी कहानी है ना, उसका आपने एक डायग्राम बना लिया,
ठीक है, वोल्टेज का, करंट का, पावर का, लोड का, सोर्स का, सबका आपने एक डायग्राम बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम से आप ज़्यादा अच्छे समझते हो। अब यार इतनी बड़ी कहानी अगर मैं समझाऊँ या मैं आपको डायग्राम में समझाऊँ तो आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा आएगा, इसलिए सर्किट डायग्राम मैंने लगाया है। चाहता तो मैं ये भी लिख सकता था, मैं बोलता था कि आप डायग्राम खुद बना लो, लेकिन नहीं, डायग्राम से समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है और ज़्यादा क्लियरली आता है। ठीक है, ओके। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बहुत बढ़िया, करंट बहुत अच्छी बात है, फेज ए के बहुत ही बेहतरीन, वी ए एन और आई ए, समझ गए, यानी कि ये ए और एन, एक फेज का वोल्टेज कितना है 220 साइन 100 पाई टी, बहुत ही बढ़िया। फेज करंट यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट कितना है आई ए, वो क्या है 10 साइन 100 पाई टी, बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्टिवली। फेज बी का भी सिमिलरिटी दे रखा है, वी बी एन और आई बी एन, आई बी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब पूछा क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स, यानी कि यहां से यहां आप कितनी पावर फ्लो करवा रहे हो इंस्टेंटेनियसली, यह आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। अब एक तो इसके ऑप्शंस, एक ये क्वेश्चन एकदम डरावना सा है कि नहीं, डरावना तो लग रहा है मेरे को, खुद को लग रहा है, लेकिन मैंने आते ही क्या बोला था, जितना बड़ा क्वेश्चन जितना डरावना क्वेश्चन उतना ही ईजी उसका सोल्यूशन। अब आप देखना ये विद इन 5 मिनट्स हो जाएगा, 5 मिनट्स भी नहीं, 5 मिनट्स समझाने में लगेंगे, जब आप खुद करोगे ना तो आप इसको विद इन 2 मिनट में कर दोगे कि ये सब फटाफट ये हुआ वो हुआ अली आंसर आ गया, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखो स्टार्ट करें, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, ठीक है, देखो क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस पावर। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वो आप मेरे को उसका एक्सप्रेशन बता दो, जनरल जो हम जनरल पढ़ते हैं कि भैया अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात आई है तो मैं इस वोल्टेज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो आप सब ये बोलोगे सर आप इसको वी एम साइन ओमेगा टी लिख दो। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। मैंने पूछा अब आप मेरे को आई इंस्टेंटेनियस बताओ, तो सर अब आप बोलोगे सर इसमें आप क्या करो, वी इंस्टेंटेनियस और आई इंस्टेंटेनियस, यही था। अब मैं कहता हूँ आप मेरे को आई इंस्टेंटेनियस बताओ, तो अब आप क्या बताओगे, अब आप बोलोगे सर इन दोनों में लैगिंग लोड लीडिंग लोड वी और आई पे डिपेंड करेंगे, तो आप इनका जो एंगुलर ड्रिफ्ट है उसको भी कंसिडर करो। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बात है, मैं उसको भी कंसिडर करूँगा, किसको, वी और आई का जो एंगुलर शिफ्ट है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, जो हमारा लोड है वो लैगिंग होगा लीडिंग होगा यूनिटी पावर फैक्टर पे होगा। अब जब ये तीनों पावर फैक्टर पे हम देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि भाई करंट लैग कर रहा है, लीड कर रहा है या फिर यूनिटी पावर फैक्टर पे है, ठीक है। सबको एग्री करते हो ना इस बात से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, वैसे तो मेरे को याद है कोई कुछ पूछ नहीं रहा है अभी, बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मैसेज कर सकता है, ठीक है। आई इंस्टेंटेनियस अगर मैं लिखूँ तो मैं जो एंगुलर ड्रिफ्ट है वो भी मेरे को पिक्चर में लेना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल पिक्चर में लेना पड़ेगा। अब पिक्चर में मैं कैसे लूँ उसको ये बताओ, भाई ये तो था, इसका तो हमने रेफरेंस मान लिया, ये तो मैंने वी एम मान लिया, भाई ये था हमारा वी इंस्टेंटेनियस के रेफरेंस वोल्टेज। अब करंट लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, वो क्या है वो अब आप मेरे को बताओ, ठीक है ना। तो अब मैं ये कहता हूँ कि आप इसको एक काम करो, ओमेगा टी माइनस फाई रख दो। माइनस फाई का क्या मतलब, चलो ओमेगा टी अगर मैं आपको 100 बोलता हूँ तो फाई अगर मैं आपको 20 बोलता हूँ तो आई कहाँ पे हो गया, 80 पे हो गया। अगर ये है हमारे पास 100 तो फाई जो आई है वो कहाँ पे आ गया, 80 पे, ठीक है। इसका मतलब अभी आई कैसा है इस केस में, आई है हमारा लैगिंग। सब एग्री करते हैं बात से, कोई मना तो नहीं कर रहा, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, अगर किसी को भी कोई बात से दिक्कत है इसमें, किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हो कि सर वी ये है आई ये है, प्लस फाइव लेता तो आई ऐसे आ जाता, ठीक है। पर ये समझाने के लिए हमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये मैंने आपको समझा दिया है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का जनरल फॉर्म क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस करंट का क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। प्लस फाइव कब होगा, जब ये वोल्टेज ये आपका प्लस फाइव, ये कब, लीडिंग पावर फैक्टर पे, ये लैगिंग पावर फैक्टर पे, क्लियर है बात, ओके। अभी हमें निकालनी है पावर, तो हम पावर कैसे निकालेंगे, जो फेज ए है उसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि पावर क्या होती है, वी इंटू आई, यही होता है। तो जो पी इंस्टेंटेनियस आएगा वो क्या आएगा, वी ए एन इंटू आई ए प्लस वी बी एन इंटू आई बी,
बहुत ही बढ़िया, बी छोटा है यहाँ पर तो हम जो टर्मिनोलॉजी है वो बदलेंगे नहीं, वी बी एन और आई बी। अब बस कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ गिवन था क्वेश्चन में। वी ए एन कितना गिवन है भाई बता दो, बोलो भैया कितना है? 220 साइन 100 पाई टी, और ये 10 साइन 100 पाई टी, बहुत अच्छी बात है। 220 साइन 100 पाई टी, बहुत बढ़िया। आइए कितना था? 10 साइन 100 पाई टी प्लस देखो 10 साइन 100 पाई टी और 220 साइन 100 पाई टी, ये यहाँ पे एकदम क्लियर है। 10 साइन 100 पाई टी, 220 साइन 100 पाई टी, बहुत बढ़िया। बचा क्या? बी बी एन और आई बी, ये कितना है? 220 कॉस 100 पाई टी, कॉस है ध्यान रखना, 220 कॉस 100 पाई टी, और ये कितना है? 10 कॉस 100 पाई टी, बहुत अच्छी बात है। तो ये कितना है हमारा? 220 कॉस 100 पाई टी, और ये कितना है हमारा? 10 कॉस 100 पाई टी। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब आप ये बताओ मेरे को सर, इसको सॉल्व कैसे करें? इसमें अब लगानी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है? तो वो अब हम कैसे लगाएंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी तो ये काफ़ी डरावना सा लग रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वो कैसे? देखो 220 और 10 जो है उसको हम अलग से ले लेते हैं, और ये 220 और 10 इसको हम अलग से ले लेते हैं। तो ये देखो, इसका जो हम रिजल्टेंट बनाएंगे ना, तो कितना आएगा? वो आ जाएगा हमारे पास 22 100, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? मैं लिखूंगा p इंस्टेंटेनियस 22 100, ये हमने सारे में से कॉमन ले लिया, 22 100 फर्स्ट में, 22 100 सेकंड में, हमने पूरा ही कॉमन ले लिया, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद बचा क्या? उसके बाद जो बचा वो आप अंदर लिख दो, साइन 100 पाई टी बच गया, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा एक और, अभी तो साइन ही है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ भी साइन है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे भी यही लिखेंगे, ये है हमारा साइन 100 पाई टी, ठीक है। उसके बाद क्या है? कॉस 100 पाई टी, और कौन सा है? कॉस 100 पाई टी पी इंस्टेंटेनियस 2200। देखो ये क्या हो गया? ये हो गया साइन स्क्वायर 100 पाई टी, ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 100 पाई टी। अब इसके आगे अब आप सॉल्व करके मेरे को फटाफट विद इन 10 सेकंड्स आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से, ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत अब कुछ बचा नहीं है उसमें, ठीक है ना, जल्दी बताओ, 5 सेकंड और दे रहा हूं मैं, जल्दी से इसका आंसर बता दो कि मैं पी इंस्टेंटेनियस क्या लिखूं, फटाफट जल्दी बोलो यार, अब तो कुछ बचा नहीं है इसमें, क्या बचा है बताओ, समझ पा रहे हो उसको क्या लिखा है मैंने? देखो अभी सब समझ में आ जाएगा, जितने लाइव बैठे हैं ना अभी किसी का जवाब नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं लिखूंगा वैसे सबका सब कूदेंगे कि हाँ सर यार ये तो ऐसे ही होगा। देखो मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, रेड पेन से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये होता था या नहीं होता था जल्दी बताओ मेरे को? मेरे हिसाब से ये 9th-10th में आता था, और तब सबसे फेवरेट आइडेंटिटी हमारी यही थी, क्वेश्चन में भगवान से दुआ मांगते थे कि और कोई सी आइडेंटिटी नहीं आए, ये तो जरूर आए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, सबको रट ली थी। अभी बाकी की 3 आइडेंटिटीज पूछूंगा ना, 2 वो किसी को नहीं आई, लेकिन ये सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सबसे ईजी। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1, तो बचा कितना? 2200 वॉट्स, खेल खत्म। अब बताओ इसमें जितना बड़ा ये क्वेश्चन था, जितना डराने वाला क्वेश्चन था, उसमें ऐसा कुछ था डरने जैसा कुछ था हमारे पास? कुछ भी नहीं था, कुछ भी, ठीक है, समझ गए हो, आगे चले, ठीक है, ओके। अ शंट इंडक्टर, ठीक है, शंट का मतलब क्या होता है? सीरीज, शंट सीरीज क्या होता है? अगर आपके पास 2 एलिमेंट, रेजिस्टेंस हुआ, इंडक्टेंस हुआ, कैपेसिटेंस हुआ, सीरीज में कनेक्टेड है। शंट मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में किसी भी सोर्स के साथ, या फिर इंडक्टेंस पैरेलल में, तो जो भी पैरेलल में कनेक्टेड है, जो भी अक्रॉस कनेक्टेड है सोर्स के एलिमेंट्स के,
वो हो गए शंट एलिमेंट्स। और शंट इंडक्टर बहुत अच्छी बात है। एट रिसीविंग एंड ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज ऑपरेटेड एट 96% ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज एंड 104% ऑफ इट्स रेटेड फ्रीक्वेंसी। यानी कि कोई हमारे पास शंट इंडक्टर है, वो अपने रेटेड वोल्टेज से 96% पे काम कर रहा है। अगर वो 100% का रेटेड है तो कुछ 4% कम 96 पे काम कर रहा है। और उसी तरह से फ्रीक्वेंसी 100% की रेटेड है तो 104% पे वो काम कर रहा है ना, 104% पे वो काम कर रहा है, तो 104% की रेटेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। द रिएक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय, अब ये क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, ये आपको आपका कैलिबर चेक करते हैं कि आपको कैलकुलेशंस में, आपको क्वेश्चन को समझने में, रेशियो समझने में, प्रोपोर्शन समझने में, यानी कि एक चीज दूसरी चीज पे किस तरह से डिपेंड कर रही है, वो चेक करते हैं कि आप उसकी नॉलेज है क्या, ठीक है। तो देखो पूछा क्या है, रिएक्टिव पावर पूछी है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम रिलेशन बताएं रिएक्टिव पावर का और किसका, और हमारे वोल्टेज या फिर फ्रीक्वेंसी का। वोल्टेज का मिल जाएगा, अच्छी बात है, फ्रीक्वेंसी का मिल जाएगा, अच्छी बात है, दोनों का ही मिल जाएगा रिएक्टिव पावर साथ, और ही बढ़िया बात है, ठीक है ना, सोने पे सुहागा वाली बात है। जैसे होता है ना क्रिकेट में, क्या होता है, आईपीएल चल रहा है अभी, तो क्रिकेट में क्या होता है, एक बॉल पे छक्का चला गया, उस बॉल पे वही बॉल नो बॉल हो गई, या फिर विकेट गिर गया वही नो बॉल हो गई, तो सोने पे सुहागा। तो वैसे अगर मेरे पास रिएक्टिव पावर का वोल्टेज और अपना फ्रीक्वेंसी दोनों के साथ संबंध है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। और वो है, वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और वो क्या है, वी स्क्वायर बाय एक्स, इसको एक्स एल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इंडक्टर की बात कर लें इसलिए एक्स एल कर लो, कोई बात नहीं, क्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय एक्स। अब आप पूछोगे कि सर ये वी स्क्वायर तो ठीक है, ये एक्स क्या है, तो यार ये तो आप बताने की जरूरत है नहीं, ये क्या है, टू पाई एफ एल है, बस सिंपल सी बात है, वी स्क्वायर बाय टू पाई एफ एल। ये वी स्क्वायर थोड़ा सा इधर हो गया क्या, चलो इसको हम सही कर लेते हैं। देखो वी स्क्वायर बाय एक्स, और एक्स कितना है, टू पाई एफ एल। अब हमारे पास यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एक हो रही है वोल्टेज की, एक हो रही है फ्रीक्वेंसी की। इसका मतलब हमारे पास ये जो एल है, टू पाई है, इसको हम कॉन्स्टेंट मान के हमारे जो एक्सप्रेशन है वहां से हटा देंगे, और हम प्रोपोर्शनलिटी किसकी डिराइव करेंगे, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी की, किसके ऊपर, रिएक्टिव पावर के ऊपर। ओके, बातों को, वर्ड्स को, एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनना, समझते जाना और नोट करते जाना। देखो भैया, क्यू डायरेक्टली टू वी स्क्वायर बाय एफ, मैं ऐसे लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत है, पक्का ना, 5 सेकंड फिर से, किसी को कोई दिक्कत है अभी तक तो बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा हूं, बोलो, कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, सारे पर्यायवाची ढूंढ लिए अब तो मैंने, आगे चले। ओके देखो, वी स्क्वायर बाय एफ ऐसे रिलेटेड है क्यू से। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि पहला केस हमारा कौन सा था, जब ये दोनों 100% पे थे, ठीक है, यानी कि वी 100% एफ 100%, तो वो हम क्या मान के चलते हैं, उसको हम 1 ले लेते हैं। और दूसरा केस क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन है 96% और 104%, इसको हम डेसिमल में लेके आए तो 0.96 और 1.04 लिखेंगे, यही लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये देखो क्यू इक्वल्स टू वी वन बाय वी टू होल स्क्वायर एफ टू बाय एफ वन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और रिएक्टिव पावर इन्वर्सली कनेक्टेड है और वोल्टेज और रिएक्टिव पावर डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, सब समझ में आ रहा है। देख लो यहाँ से, ये वापस दिखा देता हूँ, वोल्टेज डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, रिएक्टिव पावर के साथ, और जो फ्रीक्वेंसी और रिएक्टिव पावर में जो कनेक्शन है वो इनवर्स का कनेक्शन है। अब देखो, अरे ज़्यादा स्टाइलिश हो गया यार, हमें क्यू ही बनाना है, ये तो सांप बन गया, क्यों, अरे फिर से सांप बन गया। देखो ये क्या है हमारा क्यू, आराम से बनाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। वी वन क्या था, फर्स्ट केस वो था हमारा सिंपल वी वन, जो हम 1 लेके चल रहे हैं। वी टू 96% ऑफ रेटेड वोल्टेज, वी वन था हमारा रेटेड वोल्टेज 100%, 1 कुछ भी कह सकते हो, हमें रेशियो लेना है, रेशियो में आप उसको 100 लो, 200 लो, 500 लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। वी वन मैंने वी वन ही रख रहा हूँ, वी टू 96% ऑफ वी वन, यानी कि 0.96
वी वन स्क्वायर लगाना, कोई नहीं भूलेगा। एफ टू, एफ टू क्या है? 1.04 ऑफ एफ वन, ऑफ एफ वन। क्लियर है? अब इसमें कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से, अब ये पूरा खेल समाप्त हो चुका है। कैसे? देखो V1 कैंसिल आउट, F1 कैंसिल आउट। अब बारी आई है आपकी और आपके कैलकुलेटर की, इसको फटाफट सॉल्व करके बताओ, मैं भी कर रहा हूँ। 1 by 0.96 ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू 1.04 ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो Q आ रहा है, ये जो नया Q आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 0.88 ऑफ Q1 ठीक है। 0.88 शायद इसको आप 6 भी लिख सकते हो, आगे आप 6 भी लगाना चाहो। दो डेसिमल यहाँ पे कुछ बोला है क्या इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला ठीक है। तो दो डेसिमल सफिशिएंट है, 0.88 Q1। अब ये Q क्या है? इसको मैं Q2 बोल देता हूँ क्योंकि ये है हमारा नया रिएक्टिव पावर ठीक है। अब पूछा क्या है? ये पूछ रहा है द रिएक्टिव पावर कंज्यूम, यानी कि Q2 ये बड़ा है कम हुआ है ये पूछ रहा है, और कितना कम हुआ है कितना घटा है वो भी पूछ रहा है ठीक है। तो अब हम पता लगाएंगे कि ये बड़ा है घटा है। भाई Q1 अगर मेरे पास 100 था मान लो, तो Q2 कितना हो गया? 88 हो गया। भाई Q2 कितना हो गया? 88 हो गया। अब देखो, अब इसका मतलब घटा तो है, घटा तो है, ये तो आप एग्री करते हो। कितना घटा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो अब आप यहाँ देखो, ये देखो हमारे पास जो Q2 था, तो हमारे पास जो Q2 था, Q2 एक मिनट इसको नेक्स्ट में लिख लेते हैं। ये जो हमारा Q2 था वो घटा तो है, अब कितना घटा है? देयरफॉर Q2 इज डिक्रीज्ड। अब कितना डिक्रीज हुआ है वो अब आप देखो। अगर मेरे पास ये 100 था ठीक है, 100 मैं मान के चलता हूं, अब कितना हो गया? 88 ये हो गया है। तो लगभग कितने का डिक्रीमेंट आया है? लगभग डिक्रीमेंट आया है हमारे पास 11 से 12 के बीच में ठीक है, 11 से 12% का डिक्रीमेंट आया है। तो अब आप ऑप्शंस देखो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर यही ऑप्शंस देखो, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे 11.4% लिखता और यहाँ पे मैं दूसरा ऑप्शन लिखता 11.6% लो, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। पर अभी हम स्मार्ट खेलेंगे, अब हम दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? वो ये लगाएंगे कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें लो में जो हमारी रेंज है 11 to 12, उस रेंज में कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन लाइक कर रहा है, तो हम उसी को हमारा करेक्ट आंसर मान लेंगे ठीक है। तो ये जो हमारा पास एक्सप्रेशन था ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए ठीक है, ये याद होना चाहिए। क्लियर है बात? आगे चले, कोई दिक्कत किसी को 10 सेकंड और फटाफट से कमेंट कर दो। किसी को भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, आपत्ति है, समस्या है, जल्दी बता दो फटाफट, वरना आगे चले 10 सेकंड जल्दी ठीक है, जल्दी बताओ। अभी तक तो कोई बोल नहीं रहा है ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि सबको समझ में आ गया है ये ठीक है। हो गए 10 सेकंड भी हो गए, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फिर डरावना आ गया, ABCD भी आ गए इसमें। तो अब आप बोलोगे ABCD तो आ गए, EFGHI भी ले आओ, लेकिन वो नहीं आएंगे, वो बाद में आएंगे, वो हम फिर कभी देखेंगे। आज ABCD बहुत है, सिलेबस में ABCD है तो ABCD सही। अब ये मत बोलना कि ये छोटी ABCD है कि बड़ी ABCD है, ये कैपिटल ABCD है और ये पैरामीटर्स है, इनसे हम खेलते नहीं है ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे और आगे चलेंगे। चलो थके तो नहीं होना अभी कोई भी? अभी तो 5 ही सवाल हुए हैं यार, बहुत सारे करने हैं अभी, तो होमवर्क दे दो सारे। करेंगे करेंगे अभी और करेंगे होमवर्क, में पता नहीं करोगे या नहीं करोगे। देखो द जनरलाइज्ड सर्किट कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ 3-phase 220 kV रेटेड वोल्टेज मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। फटाफट से बता दो मीडियम लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी है, जल्दी बता दो फटाफट। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, 5 सेकंड टाइम है, जल्दी से। ABCD गिवन है ठीक है, जल्दी बताओ इसकी लेंथ बता दो फटाफट। आंसर आया क्या किसी का अभी तक? नहीं,
सब शांत बैठे हैं, ऐसा क्यों? आया आया, बढ़िया। देखो इसकी लेंथ कितनी होती है, 80 से लेके 160 किलोमीटर तक, ठीक है, 80 तक आपकी शॉर्ट, 80 से 160 मीडियम, 160 से भी ज्यादा वो कौन सी है, वो है भाई लॉन्ग ट्रांजिशन लाइन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो एडी ये आपको गिवन है, ए और डी की वैल्यू, बी ये गिवन है, सी ये गिवन है, ठीक है, ये तो कॉन्स्टेंट है, पैरामीटर्स है, एबीसीडी पैरामीटर्स हम पढ़ते हैं, नेटवर्क्स में हमने देखे, ट्रांसमिशन लाइंस में हमने देख लिए एबीसीडी पैरामीटर्स, ठीक है। इफ द लोड वोल्टेज, नहीं, इफ द लोड एट द रिसीविंग एंड इज 50 मेगावाट, ओके, एट 220 केवी, ठीक है, विद अ पावर फैक्टर ऑफ 0.9 लैगिंग, बहुत ही बढ़िया। देखो काम की चीज, देखो अब इसमें काम की चीज क्या है, 50 मेगावाट पावर दे दी, वोल्टेज दे दिया, पावर फैक्टर दे दिया, पावर फैक्टर कितना है 0.9 लैगिंग, देन मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज शुड बी। अब देखो इसमें हमारा काम क्या है, हमें जो निकालना है वो क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्टेज का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या होगा, फटाफट से मेरे को ये बता दो कि ए बी सी डी पैरामीटर्स में सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज का मैट्रिक्स है वो क्या होता है, जल्दी से बता दो फटाफट, मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी बोलो, बोलो भैया, अभी तक मैंने आंसर नहीं देखा किसी का, जल्दी बताओ, मैं बताऊं, देखो वी एस आई एस, इसको लिख ही देते हैं ढंग से, देखो क्या है हमारा Vs सेंडिंग एंड वोल्टेज, Is सेंडिंग एंड करंट, A पैरामीटर, B पैरामीटर, C पैरामीटर, D पैरामीटर, Vr रिसीविंग एंड वोल्टेज, Ir रिसीविंग एंड करंट, ओके, आगे चलें। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज। अगर मैं यहां से Vs लिखूं तो आप बोलोगे सर इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखो ए वी आर, ये रो हमारी, ये कॉलम हमारा, ए वी आर बी आई आर आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया, ए वी आर प्लस बी आई आर, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये निकालने के लिए, मतलब हमारे पास जो हमें वी एस निकालना है उसके लिए हमें ए पता है, बिल्कुल पता है, बी पता है, बिल्कुल पता है, वी आर पता है, बिल्कुल पता है, आई आर रहस्य छुपा है आई आर। अब देखो मैं आपको यहां पे दो ऑप्शन देता हूं, मैं यहां पे आपके लिए आई एस की इक्वेशन लिखता हूं, सी वी आर प्लस डी आई आर, आई एस आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये आप मेरे को बताओ कि सर आई एस आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, ये बता दो, आई एस आपको गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं है आई एस का। तो अब अगर हमारे क्वेश्चन में आई एस गिवन नहीं है तो अब क्या करें सर, इक्वेशन में आई एस नहीं है, आई आर नहीं है, दो अननोन हो गए, इक्वेशन एक ही है, जल्दी बताओ अब क्या करें, 10 सेकंड का टाइम फिर से दे रहा हूं मैं, आई आर को निकालने के लिए अब आप मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं, मैं भी रुक गया हूं, स्टक हो गया हूं कि अब मैं आई आर कैसे निकालूं, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आई आर को अब मैं कैसे निकालूं, जल्दी बताओ, बोलो बोलो, कमेंट आया नहीं अभी तक किसी का, बताओ भाई आई आर मैं कैसे निकालूं। देखो आई आर निकालने के लिए उसने, मैंने हाईलाइट इसलिए करवाए थे, इंपॉर्टेंट चीज पावर, वोल्टेज, पावर फैक्टर, इतनी चीजें देने के बाद भी अगर आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन में चीजें नहीं गिवन है, क्वेश्चन टफ है, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान मालिक है, फिर तो पावर दे दी है, वोल्टेज दे दिया है, पावर फैक्टर दे दिया है, करंट, अब एक बार बताओ, अभी हमने शायद दो तीन क्वेश्चन पहले ही एक इक्वेशन ये देखी थी, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव देखी थी, बस खेल खत्म हो गया। पी कितना है, पी है भैया हमारे पास 50 मेगावाट, बहुत ही बेहतरीन, रूट थ्री आप लिख ही दोगे, वी एल, अब मेरे को वी एल बताओ ये कितना है, 220 केवी, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, 220 10 पावर 3, 220 10 पावर 3 cos phi 0.9,
इतना प्यारा सवाल, सब कुछ उसने आपको दे दिया, अब तो उसकी आप जान मांग लो तो वो भी देने को तैयार है। वो इसको सॉल्व कर दो और आंसर बताओ। देखो 50 10 पावर 6, तो 10 पावर 6 10 पावर 3 कैंसिल, 10 पावर 3 न्यूमरेटर में बच गया, ठीक है। तो 50,000 और 220, ठीक है सॉल्व करो। चलो 50,000 220 डिवाइड, ठीक है, डिवाइड बाय 0.9 डिवाइड बाय 1.73, उनसे कितना 1.73 होता है ना। IL कितना आ गया, जल्दी बताओ भाई आंसर। अब मेरे को चेक कराओ कमेंट सेक्शन में कि IL किस किस ने निकाल लिया। मैं तो निकाल लिया, मैं तो लिख भी दूंगा। अब मेरे को बता दो IL कितना आ रहा है। देखो IL आएगा हमारा 145.8 amperes। के काहे लिख दिए हो, के थोड़ी आएगा, कितना आएगा 145.8 amperes। ये आ गया हमारे पास IL। कोई आपत्ति किसी को यहाँ तक? हो गया है, ठीक है। अब VS equals to AVR plus BIR। अब हमारे पास ये IL क्या है, यही है हमारा जो रिसीविंग साइड पे जो करंट है हमारा, वही है कि नहीं। देखो ये देखो हमारे पास रिसीविंग साइड पे करंट कौन सा है, जो हमारी लाइंस में फ्लो हो रहा है। लाइंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, जो हमने कैलकुलेट किया IL IR वन एंड द सेम थिंग, वो कितना आया 145.8 amperes। निकालना क्या है VS। VS निकालने के लिए AVR plus BIR, ये गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है 0.936 एट एन एंगल 0.98 degrees। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो VS A 0.936, ठीक है। VR कितना गिवन है, VR गिवन है हमें 220 किलोवोल्ट्स लाइन वोल्टेज है, ठीक है 220 किलोवोल्ट्स AVR हो गया। B कितना गिवन है, B गिवन है 142, B हमें गिवन है 142। और IR अभी हमने निकाला कितना 145.8 amperes, 145.8 amperes, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर सबके पास है, जल्दी से मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कि VS कितना आ रहा है। 0.936 इंटू 220, ठीक है, इंटू अच्छा प्लस 142 एट एन एंगल 76.4 इंटू 145.8 एट एन एंगल, इसका हमारे पास जो एंगल आया था वो हमने पावर फैक्टर से आएगा। पावर फैक्टर कितना था हमारे पास 0.9 लैगिंग, ठीक है। तो हमारे पास कॉस फाई 0.9, तो फाई कितना आएगा, फाई हमारे पास आएगा 25.84 degrees, यही आएगा फाई। कॉस इनवर्स ऑफ 0.9 कितना होता है 25.84 degrees, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0.936 यहाँ पे सारे एंगल्स भी आएंगे, कौन कौन से एंगल 0.98 76.4 98, ठीक है 936.98 degrees, ठीक है। इसका एंगल कितना है 0.98 degrees, 142, बी का एंगल कितना है 76.4, कितना है 76.4। और ये जो हमारा करंट था उसका एंगल हमने कितना निकाला अभी 26.8, ठीक है, कितना निकाला 25.84 degrees। इसको सॉल्व करो 0.936 133.23, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा है, अब ये हो गया 0.148 हो ही गया, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 133.23 एट एन एंगल 7.7 किलो वोल्ट्स, यही आ रही है सबकी वैल्यू। जल्दी बताओ ये वैल्यू सबकी आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो
देखो हमारे पास जो गौर करने वाली बात है वो कौन सी है? सबसे पहले तो हमें करंट पे फोकस करना है, करंट पे फोकस करना है। करंट हमने क्या निकाला? 25.84 डिग्रीज, यही हमने करंट निकाला था। बहुत अच्छी बात है। अब एक बात ये बताओ कि हमारे पास करंट आ गया, वोल्टेज आ गया, कौन सा वोल्टेज? रिसीविंग एंड का वोल्टेज। हमारे पास बचा क्या? सेंडिंग साइड का वोल्टेज। वो हमें कैसे निकलेगा? हमने इस मैट्रिक्स इक्वेशन से निकाल लिया। तो अब ये बताओ, पूछा क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज। अब देखो, अब है असली खेल यहां पे, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज। अब अगर कोई ऐसा बोलता है, सर मैं तो 133.23 आंसर लिख दूंगा, कोई ने आंसर मार्क कर दिया 133.23, सर ये मेरा आंसर है। तो एग्जामिनर तैयार है ऑप्शन ए में, 133.23। जैसे आपने सॉल्व किया, 133.23 आया, फटाफट से आप आंसर मार्क करके चले गए घर अपने। घर पर आके पता चला तो गलत हो गया। आप सोच रहे हो यार ये गलत कैसे हो गया, मैं तो पूरा सॉल्व किया, पूरी इक्वेशन बनाई, पूरा सॉल्व किया, एंगल्स का ध्यान रखा, फिर कैसे गलत हो गया? गलत आपका क्यों हुआ है? अब आप ये देखो, वो क्या बोल रहा है? लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज, यही बोल रहा है। और लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज कब निकलेगा? जब आपकी ट्रांसमिशन लाइंस स्टार कनेक्टेड होती हैं, उसमें आप √3 का फैक्टर इंक्लूड नहीं करोगे, तब तक लाइन टू लाइन वोल्टेज नहीं आएगा। बात क्लियर है सबको यहां तक? ये बता दो मेरे को, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन्स कैसे कनेक्टेड हैं? स्टार में कनेक्टेड है। स्टार में लाइन और फेज में रिलेशन क्या होता है? अभी तो पुराना वाला भी नहीं मिटा होगा, पर मैं फिर भी लिख देता हूँ √3 V फेज, यही होता है। तो लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज कैसे आएगा? √3 × V फेज, 133.23। एंगल से मतलब नहीं, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, हम मैग्नीट्यूड पे ही फोकस करेंगे। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है? 133.23 × 1.73, ये हो गया हमारा 230.78 बस किलो वोल्ट्स। तो अब आप जो आंसर मार्क करोगे वो क्या करोगे? 230.78, जो ऑप्शन नंबर सी है, आपको गलती कराने का वो पूरा मौका देगा। आपने देखा 133.23 आंसर मैच हो गया फटाफट, दिल में खुशी की लहर, और आंसर आपने फटाफट मार्क किया, आगे बढ़ गया कि यार पहला क्वेश्चन सही हो गया मेरा। है ऐसा होता है ना कभी कभार कि कुछ भी नहीं हो रहा क्वेश्चन पेपर में, पर पहला क्वेश्चन ही सही हो जाता है। तो 133.23 आपको ऑप्शन में देखना है कि सही है कि नहीं। हो सकता है सही भी हो, जरूरी नहीं कि हमेशा गलत होता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, कंफ्यूजन पैदा करता है। वो बोलता है लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज, आपने फेज निकाल के आंसर मार्क कर दिया, और वो ऑप्शन भी गिवन है। कोइंसिडेंस देख लो आप, ऑप्शन सबसे पहला ऑप्शन ही गिवन है, करते ही आपको ध्यान जाएगा ऑप्शन नंबर ए 133.23, खेल खत्म। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 230.78। पक्का क्लियर है बात? हो गए, थक गए हैं अब, ठीक है ना? तो आज के जो क्वेश्चंस थे आपको कंसेप्ट के साथ मैंने समझाए हैं, कल फिर से मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ कंसेप्ट्स के साथ, कुछ डिस्टिंग्विश टॉपिक्स, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार परेशान करते हैं। तो कल फिर से मिलेंगे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आप घर पे ट्राई करो, और अगर नहीं आते हैं तो फिर हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है? तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन के साथ भी मिलेंगे, और देखेंगे कुछ बेहतरीन से कंसेप्ट। तो तब तक चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ कोई डाउट है अभी तक तो मैं अभी कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, तो कमेंट्स कर दो फटाफट, ताकि मैं आपके डाउट्स यहीं पे क्लियर कर दूँ। कमेंट्स में कोई डाउट आ रहे हैं अभी तक? किसी को भी कोई डाउट है तो अभी बता दो, क्योंकि फिर कल की क्लास में हम क्या करेंगे ना, कल की क्लास में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे कि और कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार एग्जामिनर ने पूछे हैं। तो जो ज़्यादा बार पूछे गए होंगे उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कम बार पूछे गए हैं उन पे हम
उनको हम करेंगे, लेकिन इतने डेप्थ में नहीं करेंगे जितना जो हॉट शॉट टॉपिक्स है उनको हम करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर्स आप डेली देखना, रोज शाम 5 बजे से मेरे साथ जुड़ो, और रिविजन करके कैलकुलेटर के साथ पेन कॉपी के साथ मेरे साथ बैठो क्लास में और करते हैं कुछ मजा, कुछ क्वेश्चंस। मजा तो आ रहा है ना क्वेश्चंस में, कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट्स में देख रहा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत है तो बताओ कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर कोई और चीज समझ में नहीं आई है तो भी बता सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सोच रहा है कि सर ये भी लॉन्च करो, ये कोर्स लॉन्च करो, तो वो भी अपन करेंगे। तो आप बताओ कि कौन सा टॉपिक है, या इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो वो बताओ। बोलो भैया, कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, रिप्लाई करो और बताओ। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क में करके लाओ। इनमें भी कुछ डाउट आते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चन को। ऐसी बात नहीं है कि आपको छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन आप कैलकुलेट करो, आंसर लाओ, और अगर कोई दिक्कत होती है फिर से बताओ, यहीं पे सॉल्व करेंगे, लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे, ताकि अगर किसी और को भी सेम दिक्कत आ रही है तो उसका डाउट भी क्लियर हो सके, ठीक है। खत्म करें आज का लेक्चर, तो मिलते हैं कल शाम 5 बजे कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक आप रेस्ट करो और रिविजन करो, टॉपिक को ब्रश अप करो, ताकि कल जब आप लेक्चर में आओ तो एकदम फ्री माइंडेडली और हम आराम से नए क्वेश्चन के साथ खेल सकें, ठीक है। तो गुड बाय, मिलते हैं कल शाम 5 बजे। ओके, बाय बाय।